अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस पेपर की पहले बात कर लेते हैं। इसमें जो आपने मार्क किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, शो डैट जी मस्ट हैव एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। अच्छा, अगर ऑर्डर ऑफ जी 8 है और हमने ये प्रूव करना है कि उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा, तो हमारे पास एक काशीज थ्योरम है। आशीष थ्योरम इसके बारे में हमें क्या बताता है कि अगर हमारे पास किसी ग्रुप का जो ऑर्डर हो उसके डिवाइजर्स के अंदर कोई प्राइम नंबर आ रहा हो, तो उस प्राइम ऑर्डर का एक एलिमेंट उस ग्रुप में ज़रूर मौजूद होगा। यानी इफ पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सच डैट कि ए का ऑर्डर पी होगा। अब चूंकि हमारे पास जो 2 है वो एक प्राइम नंबर है और 2 डिवाइड करता है 8 को, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, इसका मतलब है कि ग्रुप जी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा। तो बाई काशीज थ्योरम हम ये स्टेटमेंट लिख के, तो हम ये कह सकते हैं कि हियर 2 इज़ अ प्राइम नंबर एंड 2 डिवाइड्स 8, सो देयर मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन द ग्रुप जी। तो इस तरह से आप इसको स्टेट कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं इसको। इसके बाद ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। तो हो जाएगा, ये आपकी बुक में मौजूद है ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म में डेफिनेशन मौजूद है कि अगर हमारे पास एक ऐसी आइसोमॉर्फिज्म है जो ग्रुप जी से ग्रुप जी पर है तो उसे हम ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं। फाइंड टू नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म्स। अच्छा, अगर हमारे पास जी अबेलियन हो, इफ जी इज अबेलियन, तो याद रख लें कि फाई ऑफ जी इज इक्वल टू जी इनवर्स, ये एक ऑटोमॉर्फिज्म होगी अबेलियन ग्रुप के लिए और ये नॉन ट्रिवियल होगी। लेकिन अगर जी अबेलियन ना हो, इफ जी इज नॉट अबेलियन, तो इसका मतलब है यहां पे तो हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि डी फोर जो डाइमेटल ग्रुप है वो एक अबेलियन ग्रुप नहीं है। इसको हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, ये नहीं क्राइटेरिया यहाँ पे। इफ़ जी इज़ नॉट अबेलियन देन फाई जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम यहाँ पे एक मैपिंग डिफाइन करते हैं जी एक एलिमेंट के जरिए, उसी ग्रुप के एक एलिमेंट के जरिए। फाई जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स जी इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। तो ये जो मैपिंग होगी ये हमारे पास ये एक ऑटोमॉर्फिज्म होगा उसी ग्रुप जी के अंदर और ये नॉन ट्रिवियल भी होगा। अब यहाँ पे अगर आप बात करें डी फोर जो है तो ये हमारे पास मैपिंग है। अब डी फोर हमारे पास कौन सा ग्रुप है? डी फोर एक डायहेड्रल ग्रुप है जो ए बी से जनरेट होगा सच डैट ए टू द पावर 4 इज इक्वल टू बी स्केयर इज इक्वल टू ए बी का होल स्केयर इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी। अब यहाँ पे ए 4 भी आइडेंटिटी के इक्वल है, आइडेंटिटी हम लिख सकते हैं इसको, और बी स्केयर आइडेंटिटी के इक्वल है। तो यहाँ से ए क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा? ए इनवर्स के, और बी किसके इक्वल आ जाएगा? बी इनवर्स के। अब इसके अंदर हम दो ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं, एक ए को लेके कर सकते हैं और एक हम बी को लेके कर सकते हैं। अगर हम ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन करें ए से तो वो क्या होगा? ए एक्स ए इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा फाई ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, और ए इनवर्स हमारे पास क्या है? ए क्यूब फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। और ये प्रूव किया जा सकता है कि ये हमारे पास एक ऑटोमॉर्फिज्म है। और दूसरी बी के जरिए जनरेट कर लें, फाई बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी एक्स बी इनवर्स इज इक्वल टू बी एक्स बी, क्योंकि बी इनवर्स तो बी के इक्वल है, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी।
और जी यहाँ पे क्या है, डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। तो इस तरह से आप यहाँ पे दो ऐसी ऑटोमॉर्फिजम्स डिफाइन कर सकते हैं जो नॉन ट्रिवियल है। नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं लास्ट वन पे। फंक्शन है हमारे पास z12 to z12। अब z12 हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो 12, तो इसमें हो कौन से एलिमेंट होंगे, 0, 1, 2, 3 up to 11। बी अ होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड एज f(x) = 3x, इस तरह से आपने इसको डिफाइन किया हुआ है। फाइंड कर्नल ऑफ f, यानी वो एलिमेंट्स जो आइडेंटिटी मैप हो रहे हैं। ये z12 दोनों ग्रुप्स जो हैं वे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप्स हैं। और यहाँ पे आपने ये मैपिंग डिफाइन कर दी, कर्नल ऑफ f फाइंड आउट करना है, f इनवर्स ऑफ 6 फाइंड आउट करना है, f इनवर्स ऑफ k फाइंड आउट करना है, और k यहाँ पे गिवन है हमें 0 to 6, 0, 6। चलिए हम इस पे बात करते हैं। फंक्शन डिफाइन किया गया है z12 to z12। तो z12 हमारे पास सेट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ये और जो फंक्शन डिफाइन किया गया है, डिफाइंड बाय f(x) = 3x। अगर f(x) = 3x है और ये सेट ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो 12 है, तो 0 कहाँ पे मैप होगा, f(0) = 3 × 0, 0 पे। f(1) जो है 1 कहाँ पे मैप होगा, ओके हम z12 से z12 पे जा रहे हैं, तो 0 मैप होगा 0 पे। 1 कहाँ पे मैप होगा, 3 पे, ये तो 12 से छोटा है अभी। उसके बाद अगर आप आ जाएं 2 पे, f(2) = 3, 2 = 6, ये 6 पे मैप होगा। 3 कहाँ पे मैप होगा, 9 पे। और 4, अब 4 अगर आप लेते हैं, f(4) = 3 × 4, f(4) आपके पास आ जाएगा 12, तो मॉड्यूलो 12 है क्योंकि, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो f(4) किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो 4 0 पे मैप हो जाएगा। ऐसे 5 दोबारा, ये 3 5 = 15, और 15 मॉड्यूलो 12 कितना होगा, 3 होगा, ये 3 पे, ये दोबारा 6 पे, और ये 9 पे, और ये 0 अगेन। इसी तरह ये दोबारा 6 पे मैप होगा, ये दोबारा 9 3 पे मैप होगा, क्योंकि f(3) = 3 × 9 = 27। अब 27 को 24 पे डिवाइड करें, 12 पे, मॉड्यूलो 12 पे डिवाइड करें, तो ये 24 आ जाएगा और यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो इस तरह ये 3 पे मैप हो रहा है। 10 कहाँ पे मैप होगा, 6 पे, और 11 मैप होगा 9 पे। तो ये हमने मैपिंग कर दी। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, एक चीज तो हमने फाइंड आउट करनी है, कर्नल ऑफ f। तो कर्नल ऑफ f में वो एलिमेंट हो गए जो 0 पे मैप हो रहे हैं। तो कौन कौन 0 पे मैप हो रहा है, 0, 4 और 8, 0, 4 और 8, ये एलिमेंट्स आइडेंटिटी पे मैप हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कर्नल ऑफ f के अंदर आ जाएगा 0, 4 और 8। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि f इनवर्स ऑफ 6 ये क्या होगा। तो जो इमेजेस हमारे पास यहाँ पे आई हैं, अगर हम वापस आते हैं तो हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, 6 की प्री इमेज क्या क्या है। तो 6 की प्री इमेज हमारे पास है 2 और 6 और 10, 6 की प्री इमेजेस, तो 2 और 6 और 10, ये हमारे पास एफ इनवर्स 6 आ जाएगा। इसके अलावा हमें पूछा गया है एफ इनवर्स ऑफ के, और के गिवन है 0 और 6। तो एलिमेंट जो 6 और 0 पर मैप हुए, तो वो कौन कौन से हैं, तो वो देख लें आप लोग, जो 0 और 6 पर मैप हुए, वो 0 है, 2 है, 0 लिख लिया, 2 लिख लिया, फिर 4 6, और 8 और 10। तो इस तरह से आप तीनों आंसर ये दे सकते हैं।
नेक्स्ट इसका पार्ट है प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड दैट U20 एंड U24 आर आइसोमॉर्फिक। यू एंड जो ग्रुप है इसमें कौन से एलिमेंट होते हैं, ऐसे एलिमेंट जो एन से छोटे हों और एन के साथ रिलेटिवली प्राइम हो, वो इस ग्रुप के अंदर होंगे और वो पॉजिटिव होने चाहिए। एक्स बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे जो एन से छोटे हों और एन के साथ रिलेटिवली प्राइम हों, वो यू एन के अंदर आएंगे। अब इसको हम देखते हैं, U20 के अंदर कौन से एलिमेंट होंगे, ऐसे एलिमेंट्स जो 20 के साथ रिलेटिवली प्राइम है और हैं 20 से छोटे। तो अगर आप वो गिनें तो शुरू करें अगर आप, तो 1 रिलेटिवली प्राइम है, 2 नहीं है, 3 है, फिर 4, 5, 6 नहीं है, 7, 9, 11 है, 13 है, 17 है और 19। ये 8 एलिमेंट्स हैं जो U20 के अंदर आते हैं। और अगर हम U24 को देखें तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ऐसे एलिमेंट जो 24 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, यानी उनका डिवाइज़र 1 के, जो GCD है उनका वो 1 है। तो 1 और 24 का GCD 1 है, 224 का GCD तो 2 है, 1 नहीं है, तो इसका मतलब है 2 यहाँ पे नहीं आएगा, 3 आएगा, 3 बल्कि 3 भी नहीं आएगा क्योंकि 3 और 24 का GCD कितना है, 3, 3 8 24, और उस 3 नहीं आएगा। उसके बाद 5 और 7 और 11, 13 और 17 और 19 और 23, ये हमारे पास एलिमेंट आएंगे 24 के अंदर, U24 के अंदर। अब हमारे पास जब फाइनाइट ग्रुप्स होते हैं और उनके ऑर्डर सेम हो, U20 का ऑर्डर कितना है, 8 है, और U24 का ऑर्डर कितना है, ये भी 8 है, तो हम बड़ी आसानी से एक ऐसी मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं जो बाइजेक्टिव हो और उनके दरमियान आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर सकता है, दे आर आइसोमॉर्फिक। यहाँ पर मैपिंग अगर हम डिफाइन कर लें, अगर 1 को 1 पे मैप कर लिया जाए और 7 को 7 पे, 11 को 11, 13 को 13 पे, 17 को 17, 19 को 19 पे, और यहाँ पे 9 को अगर आप 23 पे मैप कर लें और 3 को 5 पे मैप कर लें, तो ये हमारे पास एक ऐसी मैपिंग है जो ऑन टू भी है और 1-1 भी है, तो दे आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। तो इस तरह से आप ये प्रूव कर सकते हैं कि U20 एंड U24 आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। ये आपका ये वाला पेपर था, बाकी क्वेश्चन जो हैं उम्मीद है आप कर लिए होंगे आपने।